दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आरसीबी और लखनऊ के बीच एक बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला इंटरस्क्वाड मुकाबला खेला गया, जिसमें विराट कोहली की टीम ने रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में किस तरीके से जाकर आखिरी ओवर में जीत दर्ज करी और इस कैसे विराट ने तूफानी अंदाज में शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है विराट कोहली और केएल राहुल में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुंबई और दिल्ली के मुकाबले के बाद प्लेऑफ की चार टीमें स्पष्ट हो चुकी हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, लखनऊ के साथ साथ विराट कोहली की टीम भी आज इस मुकाबले में आगे तक पहुंच पाई है। दोस्तों, लखनऊ की पारी की शुरुआत इन दोनों ने यहां से पहले 6 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ को 65 रनों की एक शानदार शुरुआत दिलाई। जब ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, तब हर्षल पटेल ने आकर लखनऊ को पहला झटका दिया। जी हां, महज 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 30 रन बनाने वाले क्विंटन डिकॉक कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं दीपक हुड्डा और इस खिलाड़ी ने आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिया। कप्तान राहुल ने साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 135 रनों के पार पहुंचाया, जिसमें हुड्डा ने केवल 23 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 54 रनों की पारी खेली। इसके बाद गेंदबाजी करने आए हंसरंगा ने हुड्डा को आउट करते हुए आरसीबी को दूसरी सफलता दिलाई। लखनऊ 13 ओवरों में 135 रनों तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मार्कस स्टोइनिस। कैप्टन राहुल के साथ मिलकर स्टोइनिस ने आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आगे कोई विकेट नहीं गिरने दिया। एक तरफ जहां कमाल लाजवाब राहुल ने शतक लगाकर यह दर्शाया कि प्लेऑफ में उनके नाम का तूफान आने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टोइनिस ने विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 59 रन ठोक डाले। राहुल के शतक और मार्कस स्टोइनिस की विध्वंसक बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ ने आरसीबी के सामने 217 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली की आरसीबी ने दूसरे ही ओवर में डुप्लेसिस का विकेट गंवा दिया था। प्लेसिस को आवेश खान ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने आते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। जी हाँ, चाहे मोहसिन खान हो या फिर आवेश खान, इस बल्लेबाज ने लखनऊ के किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं खाया। कोहली ने राहुल की टीम को अपना विराट अवतार दिखाया। 10 ओवर तक बिना किसी नुकसान के आरसीबी 110 रन बना चुकी थी, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 60 रन कूट डाले थे। जब राहुल को ये लगने लगा कि ये जोड़ी बेहद खतरनाक होने वाली है, तब रवि बिश्नोई ने आकर मैक्सवेल को विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट कराया। अभी मैक्सवेल आउट होकर पवेलियन लौटे ही थे कि विराट कोहली का साथ निभाने आए युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार जी पवेलियन लौट जाते हैं। उनको रवि बिश्नोई ने अपनी अगली गेंद पर आउट कर दिया। 2 गेंदों में 2 विकेट लेने वाली बिश्नोई ने मुकाबला पूरी तरीके से लखनऊ के खिलाफ मोड़ दिया था। और फिर आते हैं शहबाज अहमद, और इस बल्लेबाज ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को 17वें ओवर तक पहुंचाया। यहां से आरसीबी को जीत के लिए 3 ओवरों में 50 रनों की जरूरत थी, और बेंगलोर की जीत तब और मुश्किल लगने लगी जब 18वां ओवर डालने के लिए आए मोहसिन खान ने अपनी पहली गेंद पर शहबाज अहमद का विकेट ले लिया। यहाँ से ऐसा लगा था कि अब लखनऊ इस मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन इसके बाद आते हैं दिनेश कार्तिक, और कार्तिक आते ही और धमाका मचाते हैं। जी हाँ, मोहसिन खान की बची 5 गेंदों पर कार्तिक ने 20 रन बना डाले, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। इसके बाद अगले ओवर में आता है विराट कोहली का तूफान। कोहली ने इस ओवर में 15 रन बनाए। अब आखिरी ओवर के लिए बस जाता है 15 रन क्रीज पर होते हैं दिनेश कार्तिक। उन्होंने आवेश खान की पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। स्ट्राइक पर आ जाते हैं किंग कोहली। दोस्तों, आवेश खान की अगली गेंद पर कोहली ने शानदार चौका लगाया। अब टीम को जीत के लिए जरूरत थी 10 रनों की। जिस तरीके से विराट बल्लेबाजी कर रहे थे, उसको देखते हुए तो ये जीत आसान लग रही थी, लेकिन उनकी अगली गेंद आवेश खान ने खतरनाक यॉर्कर डाली। इस पर कोहली कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अगली गेंद पर आवेश खान ने एक बार फिर से यॉर्कर का प्रयास किया, और इससे पहले से ही भागते हुए कोहली ने रिवर्स स्वीप लगा दिया और वो गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई। इसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर चौका लगाते हुए विराट ने आरसीबी को जीत दिला दी। एक तरफ चौके से टीम ने जीत दर्ज की, वहीं 57 गेंदों में विराट का शतक भी पूरा हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहले क्वालिफायर मुकाबले में आरसीबी जीतेगी या फिर लखनऊ? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।